तो मैं अर्ज करा चूंकि चार पदयां विच गुरु दी महिमा है, खास करके सिख जगत विच इस संबंधी बहुत वड्डा भुलेख है। यही कारण है कोई ते देहधारियां दे पिछे पै गया भई यही गुरु ने, कुछ कबरां दे पिछे पै गए, मड़ियां दे पिछे पै गए। ये सब तो ज्यादा सिलसिला पंजाब दे च है, देखण नूं मिलदा है। और गजब दी गल सिख जगत दे च ऐसा क्यों, ना परमात्मा दी समझ ना गुरु दी समझ। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हुंना, नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद, कोई भेद नहीं है। पर भेद नहीं है तो फिर नाम दो क्यों ने, एक नू परमात्मा कहंदे ने, एक नू गुरु कहंदे, एक नू ईश्वर कहंदे ने, एक नू गुरु कहंदे ने, नाम दो क्यों ने। और इन्हां दो नामां करके वख वख बोध आउंदा है। परमात्मा की है प्रकाश, गुरु की है दर दरवाजा, ताई ते असी गुरुद्वारा कहंदे आ, गुरु द्वारा, गुरु द्वार है, गुरु दरवाजा है। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है, प्रकाश दे रूप दे च ओ घर है, शब्द दे रूप दे च ओ दर है। दर घर दे नाल जुड़िया होया है, अलग नहीं है। पर चूंकि दर जुड़िया होया है, दर दे राही घर दे च प्रवेश है, दर दी अपनी महिमा है, घर दी अपनी महिमा है, तो गुरबाणी कहिंदी है पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं। दर ही ना होवे, प्रवेश द्वार ही ना होवे, तो फिर घर दी की महिमा है, फिर घर दी की महिमा है। नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। या इंज कह लो, उस परमात्मा ने जो अपना घर बनाया, उसने अपने घर का दर भी बनाया। घर उसका अपना है, आप ही ने आप साजे, उदे घर की साजना किसी होर ने नहीं की, उदी साजना किसी होर ने नहीं की। कि जे घर की साजना उसने आप की है, तो फिर दर की साजना लेना, घर उसका बनाया हो, दर उसे दा बनाया हो, तो जीवन नू कह दिता इस दर दे राही प्रवेश करो, आ जाओ मेरे कोल इस दरवाजे दे राही, शब्द दे राही प्रकाश तक पहुंच जाओ। सुरत नू केवल शब्द तक पहुंचाना है, शब्द ही चानना कर देंदा है, प्रकाश कर देंदा है, घर नू प्रगट कर देंदा है। इस वास्ते इंज कह लो, सारी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दर दी व्याख्या है, घर दी व्याख्या है। सो दर कहा, सो घर कहा, जित वै सर्व संभाले। जद समझ आ गई, बोध आ गई कि घर दी साजना उसकी अपनी है, आप ही ने आप साजियो, उदी साजना किसी होर ने नहीं की थी। तो दर दी साजना भी उसने आप ही की थी। यही कारण है कंधार दे सूफी फकीर ने जद गुरु नानक ते प्रश्न किया, जन्म साखी दे बोल, रह नुमाए तो की इस्त, तुहाडा रहबर कौन है, तुसी इतना ज्ञान किस तो लिया, बड़ा ज्ञान है थोड़े को, थोड़े को बैठदिया बड़ी समझ मिलती है, थोड़े को बैठदिया बड़े अनुभव खुलते हैं, ये दसो ये सारा ज्ञान तुसी कितों लिया, रहनो माए तो की, शब्द इस तरह लिखे हुए ने जन्म साखी, थोड़ा रहबर कौन है, थोड़ा गुरु कौन है, थोड़ा पथ प्रदर्शक कौन है,
रहनुमाए तो किस। सिर्फ दो शब्दां दे चे प्रश्न है कंधार दे सूफी फकीर दा। कंधार दे सब तो वड्डी मजार ऐसे ही फकीर दी है।